नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दक्षिण दिल्ली की सीट की अगर बात करें तो रमेश बिधूड़ी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने विवादों के बीच में सोशल मीडिया पर घिरे रहने के बाद भी एक बार फिर भरोसा जताया और एक बार फिर उनको दक्षिण दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा। एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर खड़े उतरते हुए नजर आए और दक्षिण दिल्ली में दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के संगम विहार विधानसभा से दीपक जैन जी, जो कि यहाँ के वार्ड के निगम पार्षद हैं, वार्ड नंबर 85 के। आज हम इनसे चर्चा करेंगे दक्षिण दिल्ली में हुई इस भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के लिए और संगम विहार की समस्या को लेकर और मोदी सरकार के कार्य को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप और आपकी टीम को, जो आपने दिन रात एक मेहनत करके संगम विहार में और पूरे दक्षिण दिल्ली में सांसद जी को एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि देश हित में आपने भी हम लोगों का पॉजिटिव सोच रख के हमारा हेल्प की, उसके लिए आपको भी बधाई। और सभी मतदाताओं को, सभी कार्यकर्ता जो 24 घंटे दिन रात एक करके लगे हुए थे, सभी को उनको भी प्रणाम करते हुए धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि हम ऐतिहासिक जीत की तरफ रहे। सर, विवादों के बीच घिरे रहने के बाद भी सोशल मीडिया पे पार्टी ने सांसद जी पे, रमेश बिधूड़ी जी पे एक बार फिर भरोसा जताया और उन्होंने उन भरोसों पे खड़े उतरते हुए नजर आए और एक शानदार जीत दर्ज की, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखो, मोदी जी को इसका श्रेय जाता है कि मोदी जी ने जब से उनको पार्टी ने और जब से देश की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, तभी से बिना छुट्टी लिए वो 18-18 घंटे देश के लिए काम कर रहे थे, तो इसका श्रेय उनको जाता है। इसका श्रेय उन सम्मानित मतदाताओं को जाता है जिन्होंने मोदी जी पे दोबारा भरोसा जताया। सांसद रमेश बिधूड़ी जी के 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए, उनके 5 साल के विकास कार्यों को देखते हुए उन पर भरोसा जताया। और सभी कार्यकर्ता जो हमारे सभी बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी मेहनत से लोगों की सेवा की। 5 साल हम उसमें थे, पार्टी में थे, हम 5 साल सरकार में थे, उसके बाद भी हमारे किसी कार्यकर्ता ने अभिमान की बात ना करके सेवा भाव से लोगों के बीच में काम किया, इसका श्रेय उन लोगों को जाता है। संगम विहार की जनता 4.5 साल से जल भराव से जूझ रही थी और इस बार उनका रुख किस ओर हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, संगम विहार की वोट पोल का 50% से ज़्यादा हमें मिला है। 1,05,000 वोट पोल हुआ है और 53,000 कुछ वोट हमें मिला है, तो 51% वोट संगम विहार में। हमें आपसे पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था कि 51% पर हम काम कर रहे हैं और 51% वोट पोल का 51% वोट संगम विहार की जनता ने हमारे पे भरोसा जता के हमें दिया है। और संगम विहार की जनता अब समझ चुकी है कि किसका क्या काम है, लोकसभा सांसद जो है उनका क्या काम है, निगम पार्षद का क्या काम है और विधायक का काम है। विधायक ने जो दुर्गति की है संगम विहार की, जो पिछले 4 साल से, 4.5 साल से नरकीय जीवन यहाँ संगम विहार की जनता 5-7 लोग जो जी रहे, उसका उनको करारा जवाब उनके गाल पे तमाचा मार के, वोट रूपी तमाचा मार के जनता ने दिया है। और लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने के अगले दिन जो इनके विधायक हैं दिनेश मोनिया, वो उद्घाटन करते घूम रहे हैं कि हम यहाँ पानी की लाइन डालेंगे, हम यहाँ रोड बनाएंगे, ढकोसला कर रहे हैं। तो ये पहले नहीं हो सकता था क्या? अब उनका खुद का चुनाव आया, जैसे ही वोटिंग हुआ 12 तारीख को, 13 तारीख 14 तारीख को उन्होंने संगम विहार में उद्घाटन शुरू कर दिए, क्योंकि अब चुनाव उनका आ गया। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस पैटर्न पर काम करना है की इच्छा है उनकी, कांग्रेस पैटर्न पर काम करते हैं कि बाद के 6 महीने काम करेंगे, लोग 4.5 साल का नर्क भूल जाएंगे। लेकिन जनता अब समझदार है, जनता इनको अगले 6 महीने बाद भी जो चुनाव आने वाला है, इससे भी बड़ा तमाचा इनके गाल पे वोट रूपी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देके मारेगी, जब इनको पता चलेगा कि जनता को कैसे धोखा दिया जाता है। सर, पूर्वांचल समाज, अन्य दलों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि इस बार पूर्वांचल समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगी, सांसद जी का साथ नहीं देगी, क्या लगता है आपको इस बार पूर्वांचल समाज का साथ मिला है? सब, मैंने आपको कहा था ना कि सब समाज हमारे साथ है। हमारा एक गाना भी बनाया था कि 36 बिरादरी रमेश बिधूड़ी को दोबारा MP और नरेंद्र मोदी जी को दोबारा PM बनाना चाहती है, तो उसमें पूर्वांचल का कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। वो 2-4 लोग, मैंने आपको पहले भी कहा था, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए
ऐसे ही कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं और उन्हें नकार दिया है। आप देखो रिजल्ट देखो ना, हर एक बूथ से हम जीत के गए हैं। तो कहीं हर जगह पूर्वांचल समाज के लोग रह रहे हैं, हर जगह हर समाज के लोग रह रहे हैं, सब ने हमें भरपूर समर्थन दिया है। सर आने वाले 5 साल में सांसद जी के द्वारा आपके वार्ड में क्या क्या काम होने हैं और किस लेवल पर? देखो मैं बताता हूँ आपको, सांसद जी का काम, फिर वही बात आ जाती है कि दिल्ली सरकार का काम अनऑथराइज कॉलोनी में ज़्यादा है। सांसद DDA की लैंड पे काम करते हैं, सांसद मेट्रो के लिए काम कर सकते हैं, सांसद जी नियम कानून बदलने के लिए लोकसभा में वो करते हैं, और फ्लाईओवर कहीं बनाना हो, हाईवे कहीं बनाना हो, उस पर काम करते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी में ज़्यादा, अनऑथराइज कॉलोनी में ना पार्षद का कोई काम है और ना ही सांसद का कोई काम है। अनऑथराइज कॉलोनी में विधायक का DSIDC के माध्यम से वो काम करते हैं। जो सांसद का काम है, DDA के 2 ग्राउंड है हमारे, जो हमने बोला है, जो हमने कमिटमेंट किया है, उस पर खड़े उतरेंगे और वो हम काम करेंगे। जो काम संगम बिहार में इनकी हट धर्मी से नहीं हो रहे, यहाँ के विधायक या उनके वो केजरीवाल साहब, जो उनकी हट धर्मी से काम नहीं हो रहे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। सर जैसे कि आपने मेट्रो की बात करी है, तो एक प्रोग्राम के दौरान सांसद जी से जब बातचीत हुई थी हुंकार मीडिया की, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रहे, इसलिए जो 4 फेज की मेट्रो है वो नहीं आ पा रही। तो आप एक बार फिर सांसद जी चुन के आ चुके हैं, अगर केजरीवाल पैसा नहीं देता तो क्या 4 फेज की मेट्रो संगम बिहार के लोगों को नहीं मिलेगी? सांसद जी ने बोल दिया केजरीवाल आधा पैसा नहीं देगा, तो केंद्र सरकार से पूरा पैसा ला के और मेट्रो का काम सबसे पहला उनका टारगेट होगा कि मेट्रो का काम चालू कराना। और जितने उन्होंने वादे किए हैं, उन्होंने पहले दिन कहा है कि हम किसी और चक्कर में ना पड़ के लोगों की सेवा करें, जनता के बीच रहें, और जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं वो उनको हम कल से ही चालू कर देंगे। सर दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का सुफरा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं देखो, कांग्रेस की 60 साल जो उन्होंने देश को लूटा है, उनका उनको जवाब जनता दे रही है। और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का सुफरा साफ हुआ है, आम आदमी पार्टी 3रे नंबर पे 5 सीटों में, ठीक है ना जी। आम आदमी जो केजरीवाल ने जो किया है ना, जो जितनी धोखा दिया है दिल्ली को, उसको सारा भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ जी। आने वाले समय में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी दिल्ली से। सर केजरीवाल के आने से एक जल माफिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संगम बिहार विधानसभा कह लीजिए या तुकलकाबाद कह लीजिए या कोई अन्य विधानसभा कह लीजिए, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखो मैं बताता हूँ, जल माफिया भूखे नंगे लोग उसके साथ, जेब कतरे लोग, भूखे नंगे लोग उनके साथ आ गए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना पेट भरना है, अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। 6 महीने लोगों को और झेलना पड़ेगा, और उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे कि उनको परेशानी ना हो किसी तरह की जनता को, तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे अगले 6 महीने। और 6 महीने में जनता ने मन बना लिया, सम्मानित क्षेत्रवासियों ने, मतदाताओं ने मन बना लिया केजरीवाल का सुपड़ा साफ करने के लिए दिल्ली से। सर अभी कुछ महीने पहले सांसद जी के द्वारा 3 स्कूलों का शिलान्यास और 3 स्कूलों का उद्घाटन किया गया था हरकेश नगर में, उन स्कूलों का काम कहाँ तक पहुँचा और कितने समय में वो काम पूरा हो जाएगा? देखो अभी आचार संहिता लग गई थी, तो कहीं ना कहीं कोई काम रुक गए होंगे। जैसे ही अब दोबारा सरकार बन हो जाएगी, वो 2-4 दिन में, तो जैसे ही होगा तो सब काम चालू होंगे और सब काम टाइम से पहले कंप्लीट करके देंगे। ये थे हमारे साथ निगम पार्षद दीपक जैन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के निगम पार्षद हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ संगम बिहार में जुड़े हुए हैं, लोगों से लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनका निपटारा करते हैं। हमने इनसे सांसद जी को लेकर बात की, तो इनका यही कहना है कि एक बार फिर मोदी लहर चली और सांसद जी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उम्मीद जताई थी, जो उनसे उम्मीदें रखी थी, उस पर वो खरे उतरे हैं और एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ लगभग 4.25 लाख वोटों से जीत दर्ज कर मोदी जी को गिफ्ट में दक्षिण दिल्ली दिया है। लोकसभा जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।